असलम एवरी वन तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर एटीन है इसके अंदर हम देखेंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिव नैब बार किस तरह बना सकते हैं नैब बार मेन्यू बार जो आपके ऊपर आ रही होती है जिसके अंदर होम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट uh, वग़ैरह के इंफॉर्मेशन आ रही होती है बटनज़ होती हैं उसके अंदर जो आपके बिल्कुल ऐप के ऊपर ही रहती है आप किसी भी पेज पर पे चले जाएँ तो जिसके अंदर साइन आउट वगैरह की ऑप्शन आ रही होती है तो वो हम देखेंगे कि वो उस वो किस तरह क्रिएट की जाती है और रिस्पॉन्सिव वे के अंदर किस तरह वो कंपोनेंट क्रिएट होगा और बहुत ही आसानी से हम उसको क्रिएट कर लेंगे तो चलें हम विजुअल कोड की तरफ़ चलते हैं तो मैं इसको इसका साइज़ को इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा सा तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा होगा तो चले लास्ट टाइम हमने ये देखा था यहाँ तक हमने जो है ना अपना काम कर लिया था हेलो वर्ल्ड लिख के देख लिया था फ्रंट एंड के अंदर किस तरह वो नज़र आ रहा था वो हमने देख लिया था इसको अभी छोड़ दें मैं आपको बताता हूँ कि ये नई लाइन क्यों ऐड हुई हुई है, है और अभी हम इसके ऊपर सोर्स फाइल में जाते हैं आपने सबसे पहले क्लाइंट के अंदर सोर्स में आना है और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है कॉम्पोनेंट्स का ठीक है ये मैंने कम्पोनेट्स का फोल्डर क्रिएट कर लिया अब मैंने एक कॉम्पोनेट क्रिएट करना है जो जिस जो के है आप नेबार नेफब बार डॉट जी एस बहुत ही देखें जिस तरह मैंने एक कॉम्पोनेट क्रिएट कर लिए अब जब मैंने क्रिएट कर लिया तो अब मैंने इसके अंदर उसकी स्टाइलिंग वगैरह या कुछ लिखना होगा जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे पता चल जाए कि यही वाला कॉम्पोनेंट कॉल हुआ है तो मैं इम्पोर्ट रिएक्ट जैसे इंटर करूँगा ये मुझे सजेशन इसने मुझे दे दिए आपको भी ये दे, दे देगा नीचे करें नैब बार ये थे दर्शन दे रहा है आपको उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन दे देनी है उसके बाद आप अभी के लिए इसके अंदर लिख लें हेलो फ्रॉम नेफब ताकि आपको पता चल जाए कंपोनेंट कॉल हुआ है नहीं हुआ मैंने कंट्रोल एस किया मैं वापस जाके के वहाँ पर देखता हूँ अपने उसके अंदर के कॉल हुआ ही नहीं हुआ देखे नहीं हुआ अभी हेलो वर्ल्ड ही लिखा आ रहा है अभी ऐप वाला ही कॉल हो रहा है अभी हमने इसको बताना है कि आप इसको कॉल करो तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ फॉर द टाइम इन और यहाँ पर लिखता हूँ इस अब अब मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट नैब बार फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट नए बार कॉम्पोनेट के अंदर को मैंने इसमें बोर्ड कर लिया अब सिंपल मैं इसको यहां पे कॉल कर सकता हूं तो मैं यहां इसको कॉल कर लेता कंट्रोलर्स अब हम हैं कि वहां पे कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ अभी हमने ये स्क्रीन क्योंकि जूम हुई हुई है तो वहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी करना था यहाँ पे नीचे जिस तरह हम कोई भी कंपोनेंट कौ, बनाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट भी करना होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिफॉल्टार डेट्स इट अब इसको कंट्रोल एस करें तो ये हो चुका है कंपाइल हेलो फ्रॉम नैबर ये कंपोनेंट वहाँ पर कॉल हो गया अच्छा अब आपको ये पता चल गया है कि हम कुछ भी नेब बार के अंदर लिखें तो वो जो है ना वहाँ पे कॉल हो रहा है और उसके ऊपर आ जाएगा तो अब हम चलते हैं बूट स्ट्रैप के ऊपर और वहाँ पे वहाँ से जाके के अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं बहुत ही सिंपल कॉपी पेस्ट करना है आपने तो आपका जो है ना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव अच्छा नेटवर रेडी हो जाएगा ये आपने बूट स्ट्रैप भी वेबसाइट खोल लेनी है आप गूगल पर जाके लिखेंगे बूट स्ट्रैप तो ये वेबसाइट आ जाएगी और आने के बाद यहाँ नेट बार पर क्लिक कर लेंगे तो ये नेटबर आ जाएगा मैं एक दफ़ा आपको जाके भी दिखा देता हूँ अच्छा बूट आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं उसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपने इंस्टॉल करना है तो ये उसकी वेबसाइट है आप यहाँ पर जाके सिंपल इसको कॉपी करके अपने टर्मिनल पे पेश करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं मैं इसका लिंक यूज़ करूँगा तो बूट श्रैप फोर लिख के आप जैसे इंटर करेंगे ये इंट्रोडक्शन इसको ओपन कर लें आप ये इस आपको बता रहा है कि जे है और ये इसकी सी है अभी हम इसको इसको यूज़ करेंगे तो मैं आपको इसको बता देता हूँ इसकी स्टाइलिंग वगैरह के लिए जो है ना ये यूज़ होती है तो सी एस एस को मैं कॉपी करता हूँ इसकी कॉपी करने के बाद आपका जो यहाँ पे इंडेक्स होगा एक पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे हेड में हम जिस तरह हमेशा की तरह पेश करते थे सी एस एस को आप वो भी कर सकते वो कर सकते हैं और इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी उसको कर सकते हैं और इसकी जो जे एस होती है उसको हम पेस्ट करते होते हैं बॉडी में कॉपी और इसको हमने इधर कर दिया पेस्ट कंट्रोल एस। अच्छा अब ये हमारे पास आ चुकी हैं दोनों चीज़ें अब हमने सिर्फ नेब बार को इसकी स्टाइलिंग वगैरह जो है हमने बोर्ड कर ली है अब जो है ना हमने सिर्फ़ इसका नेब बार को लेके आना है तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ नेबर वाली ऑप्शन के अंदर जो कि इनकी ऑफिशियल साइट है उधर से नेब बार एक इस तरह की रिस्पॉन्सिव नेब बार हम उठा लेते हैं तो इसको मैं करता हूँ कॉपी कॉपी करने के बाद हम वापस आते हैं अपनी नेब बार वाले कॉम्पोनेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या किस्म एरर शरर आता है या क्या कुछ होता है जैसे मैंने पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया और ये मुझे कुछ अरर में से शो कर रहा है यहाँ पे क्योंकि एस टी एम एल के अंदर कुछ हम टैग जो हैं वो कभी कभी बंद नहीं करते तो इनपुट का टैग तो ख़ास तौर पर हम बंद नहीं करते तो यहाँ पर सिंपल हम इसका टैग बंद करते हैं तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि रिएक्ट के अंदर जो टैग ओपन होता है उसको क्लोज़ करना जरूरी होता है जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया तो अब हम जाके देखते हैं कि भाई ये आया है कि नहीं आया या क्या कुछ हुआ है अपने ऐप के अंदर तो देखें कितनी आसानी से ये नैब बार जो है सारी यहाँ पे आ गई है अब आपने इसकी कोई भी स्टाइलिंग सी एस एस की स्टाइलिंग भी इसकी जो थी वो हमने इम्पोर्ट कर दी थी अगर मैं आपको बताऊँ कि हम इसकी स्टाइलिंग को अगर उड़ा दें तो ये किस तरह की नज़र आएगी अगर मैं इसकी सी एस एस को यहाँ से उड़ा दूँ सी एस एस अगर मैं ना इम्पोट करूँ इसकी तो ये किस तरह की नज़र आएगी कंट्रोल एस अब आप देखें ये सिंपल ही इस तरह की नज़र आ रही है तो जैसे ही मैं इसकी सी एस एस की स्टाइल शीट को यहाँ पर इंक्लूड करके कंट्रोल करता हूँ ठीक है तो ये चेंज हो गई है अच्छा अब आपने इस ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव है ये देखें अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखें ये मोबाइल व्यू के पर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी किसी भी सीन के ऊपर क्योंकि ये हमने इम्पोर्ट किए हैं वहाँ से तो अब अगर इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग वगैरह या कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है तो आप इसके अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो जिस तरह हमें ये वाला पोर्शन अगर सर्च वाला नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से उड़ा दें हम इसको यहाँ से उड़ा देंगे तो ये सर्च वाला पोर्शन यहाँ से उड़ जाएगा और जिस तरह अभी हमें अगर फ़र्ज़ करें हमें नेव बार जो है वो लेफ़्ट नहीं राइट right साइड पे चाहिए तो जिस तरह ये लिखा हुआ है मार्जिन राइट right, इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ जैसे कि मैंने बताया सिंपल कॉपी पेस्ट ही है बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए अगर नहीं भी है तो आप गूगल कर लें तो ये तो सेटिंग आपको आराम से मिल जाएगी जिस तरह पहले ये यहाँ पर आ रहा था आप ये देखें यहाँ पर चला गया तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसके बाकी कंपोनेंट्स भी बनाएं आप जिस तरह एक कंपोनेंट बना के एक्सपोर्ट किए इसी तरह लॉगिन पेज जो होता है वो भी इसी तरह बनेगा रजिस्ट्रेशन पेज भी इसी तरह बनेगा आपका अबाउट का जो पेज होगा वो भी इसी तरह बन रहा होगा तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना आप साथ, साथ खुद भी ट्राई करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप अगली वीडियो के अंदर ये इसको भी ट्राई करें और जो लॉग इन रजिस्ट्रेशन है उनके कॉम्पोनेंट भी बनाएँ तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह इनको आपके फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं अब बहुत ही कम टाइम रह गया है कि हम अपने फ्रंट एंड से बैक एंड को डाटा भेजेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि फिर किस तरह हम स्टोर वगैरह कर रहे होंगे और बहुत मज़ा आएगा तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर अल्लाह हाफिज़